चलो उधर उधर बदमाश बनता है, चलो उधर हमारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यहाँ बंद करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। फोटो खींचनी है, फोटो चाहिए, खींचो फोटो, खींचो, ये लो, खींचो ना, खींचो, ए, खींचो, खींचो। भाई आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है, भाई जेल में अपनी त्योहार मनाएगा। क्या शिव काशी को तुमने अंदर क्यों बंद कर रखा है? जब तक हमारा भाई बाहर नहीं आएगा वो शटर बंद ही रहेगा। अगर तुम्हारा बॉस बाहर नहीं आया तो? नहीं खुलेगा। तुम्हारे शटर डाउन करने से हमारा शिव काशी बाहर नहीं आएगा क्या? अरे कैसे आएगा बे? तो कैसे आएगा, ये देख लो, असली जिगरबाज है। अरे, अरे, काशी तुमने उन्हें शटर के अंदर क्यों बंद कर दिया? ये दुकान आज रहेगी बंद और बाकी की दुकानें खुली। तू बढ़ा, अरे तोड़ नहीं सकता कोई हमें इस तरह। सच्चाई हमारे साथ, पापियों को देंगे हम मिटा। सच्चाई हमारे साथ।
जो घर के झुक गए। शिवा 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 काशी, शिवा 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 काशी। जो नरों के पाप को वो भी है पापी, सच का साथ दो और झूठ को फांसी। शिवा 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 काशी, शिवा 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 काशी। मन में भला लिए जियो तुम सबके लिए, सबके लिए। दुनिया भली हो चाहे जो सोचे तेरे जैसे, तेरे जैसे। सब है तेरे चाहने वाले, कर दे हर घर उजाले। यारों के लिए तुम लड़ दो यहाँ, जीवन का मेरे यही है फलसफा। खोल जाए नाम तेरा मान तुम कहा, अपनों का करना भला सुन ले तू जरा। सच्चाई हमारे साथ, पापियों को देंगे हम मिटा। सच्चाई हमारे साथ, पापियों को देंगे हम मिटा। सिर्फ टी पार्टी बस। टी पार्टी क्या है, केस जीत जाने तो दारू की पार्टी कर दूंगा। अरे पीपी तू तो इस जन्म में केस जीतने से रहा, हाँ? चल चाय पी ले। सर आप लॉयर है ना, फर्स्ट क्लास में पास हुए थे, सेकंड क्लास में पास हुए थे, थर्ड क्लास में पास हुए थे, या पास ही नहीं हुए थे? अरे जाड़िया चुपचाप चाय पी ले, फालतू की बात मत कर डफर। क्या जाड़िया, अगर इसने लॉ एग्जाम पास नहीं किया होता तो इस कोर्ट में होता, बता। ये क्या कर रहे हो? इसे गरम कर रहा हूँ। अब उसे क्या कर रहे हो? इसे ठंडा कर रहा हूँ। अच्छा तुम चाय को ऐसे परेशान कर रहे हो तो वोडा टी को भी ऐसे ही परेशान करोगे क्या, बोलो? वोडा टी क्या है? वोडा टी मतलब तंजानिया में बीवी होती है, समझे क्या? मैं तेरी बीवी को क्यों परेशान करूँगा? मैं अपनी बीवी के बारे में नहीं तुम्हारी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम गरम चाय को ऐसे ठंडी करके पी रहे हो तो उस जेल में बंद कालिए से कैसे निपटोगे, बोलो? किस बात का बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम पहली बार अरेस्ट हुए हो, तुम्हें पहली बार बेल मिल रही है क्या? लेकिन ये पहली बार हुआ है कि दुकानें बंद नहीं हुई। hey, जब मैं जेल के अंदर बंद था तो तू क्या कर रहा था बताता क्यों नहीं? तू वहाँ क्या झक मार रहा था? hey! किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दाता, 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 दाता,
किसने दुकानें खुलवाई थी रे? शिवकाशी ने। शिवकाशी? कौन है शिवकाशी? तुझे बताया ये गाड़ी में क्यों लेके आया हूँ? मुझसे पूछ के लाया था क्या? कहाँ है शिवकाशी? कालर छोड़ो भाई। चल बता। कालर तो छोड़ो भाई। नहीं बताता कि नहीं? कालर छोड़ दे, बोला ना तुझसे। बड़ी हिम्मत से बातें कर रहा है, कौन है रे तू? मैं पवन पुत्र का भक्त, दारा पहलवान का शिष्य हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा का फैन हूँ मैं, धर्म पाजी सा जिगर है मेरा, मैं शिवकाशी का भाई हूँ। तो अपने भाई को यहाँ बुला के ला। वो कोई छोटा बच्चा नहीं, वो असली जिगरबाज है, समझा? तू मुझे जानता नहीं, मैं उसके दोनों पैर काट के भिखारी बना दूंगा। अच्छा, वो आ रहा है असली जिगरबाज। जिगरबाज कौन है तू? हाँ शिवकाशी। बता तुझे ये नाम किसने दिया? पब्लिक ने। ये पब्लिक? थू! अरे शिवकाशी तो शहर का नाम है, शहर का नाम। वही जहाँ बम तैयार किए जाते हैं। फिर बम की तो धमाका सुना? जब मुझको गुस्सा आता है तो किसी न किसी की लाश गिरा कर जाता है, समझा क्या? ए, इसके माँ बाप को बुलाओ। भाई इसके माँ बाप नहीं है, ये तो अनाथ है। मतलब चिता जलाने वाला कोई नहीं क्या? अरे चिंता क्यों करता है, अनाथ है तो क्या हुआ, तेरी चिता हम जला देंगे। Hey!
शहर का सबसे अच्छा शोरूम है। अच्छा शोरूम है। I think जेंट्स सेक्शन ऊपर की ओर है। I'm sorry। पैसा नहीं है। छी, पैसे वाला नहीं, कोर्ट केस है। कोर्ट का केस है? तो फिर चल। चलो चलो। लड़कियों को छेड़ दियो। छोड़ बेटा। आप इन्हें नहीं जानते डैडी, अगर आज इसे छोड़ दिया ना तो कल ये दूसरी लड़की को छेड़ेंगे। अरे छोड़ बेटा। मारो इसे। सर सर छोड़ छोड़ दीजिए सर। आगे से सर। क्या कर रहे हो? बस इतना काफी है? खुजली कम हुई क्या? और खुजली हो रही है, उसमें क्या खास बात है? हाँ, 50 किलो मांस ही है ना। अगर मटन शॉप में जाएगा तो इससे 10 गुना ज्यादा मांस मिल जाएगा। चल निकल यहाँ से, जा। ए, तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैं उसे और मारती ना। ओ हो, रुको ना, बता रहा हूँ। ये क्या है, रास्ते में चड्डी पहनकर घूम रही है? हेलो, ये स्कर्ट है। हाँ? हाँ, ये तुम्हारे लिए स्कर्ट है पर मेरे लिए तो चड्डी है। अरे ये क्या, तुम जैकेट के साथ ब्रा में घूम रही हो? हे, दिस इज स्लीवलेस, ओके? हाँ, ये तुम्हारे लिए स्लीवलेस है पर मेरे लिए है ब्लाउजलेस। पेट में रिंग पहना है, शरीर में जहाँ चाहे टैटू बनवाया है। ये क्या फैशन शो है या फ्री एग्जीबिशन है? हे, माइंड योर बिजनेस। देखो मैडम, भगवान ने औरत को आदमी के लिए बनाया और आदमी को औरत के लिए बनाया है। आदमी की जरूरत औरत और औरत की जरूरत आदमी पूरी करता है। सिर्फ एक पति को ही अपनी पत्नी के शरीर का तिल देखने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सब तुम पब्लिक को दिखाओगी तो लोग तुम्हें छुएंगे भी और सीटी भी बजाएंगे। इसमें लोगों का क्या दोष? मैं तो ऐसी दलीलें कोर्ट में भी नहीं दे पाता। कोर्ट जाते कब हो? नहीं, मेरी तरफ इस तरह मत देखो। अगर तुम एक भारतीय नारी की तरह लहंगा चोली पहनकर निकलती तो हर किसी का हाथ तुम्हारे सामने देवी की तरह जुड़ जाता। बात समझ में आई? इस शहर के सभी लोग मुझे जानते हैं, तुम किसकी बेटी हो ये भी जानते हैं। आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई ना, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए बेटा। भी डैडी, हम लोग खाना खाने बैठे हैं और आप भी ना। ये क्या डैडी, जिसने हमारी बहन की बेइज्जती की उसे जाने क्यों दिया? ये मेरे लिए अभी बच्ची है, ये कुछ भी पहने मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन दूसरों को हो सकता है। उस लड़के ने तो ठीक ही कहा था, भले ही उसके कहने का तरीका ठीक नहीं रहा हो, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था करेक्ट था। अगर तुम एक भारतीय नारी की तरह लहंगा चोली पहनकर निकलती तो हर किसी का हाथ तुम्हारे सामने देवी की तरह जुड़ जाता।
मैं हाफ कप? हाफ नहीं तो पाव कप। मैं फुल कप। यहाँ पर कोई शिवकाशी रहता है, जानते हो? शिवकाशी साहब? क्या कहा? क्या वो बहुत बड़ा आदमी है? चलो जाओ बुलाओ उसे। शिवकाशी, कुछ लोग नो एंट्री की तरफ से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ए, चल रहा है। अरे क्या कर रहा है? यही चेंजेस तो मैं तुम्हें देखना चाहता था। अभी तुम जैसा मैंने कहा था एकदम वैसी ही भारतीय नारी लग रही हो। अच्छा ठीक है, मैंने सुना कि तुमने लहंगा चोली के ऊपर मेरी बहन को कुछ लेक्चर दिया था। हा? बहन को? और क्या, मैं और मेरी बहन जुड़वा हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। मेरा नाम देवी और मेरी बहन का नाम श्रीदेवी। श्री देवी? हाँ, मैं यहीं की हूँ और मेरा बचपन यहीं पर बीता है, इसीलिए मैं ऐसी हूँ। लेकिन मेरी बहन ने फॉरेन में पढ़ाई की है, इसीलिए वो स्टाइलिश है। और तुमने क्या कहा था? जो लड़की लहंगा चोली पहनेगी तुम उसे महालक्ष्मी की तरह हाथ जोड़कर सम्मान दोगे? या तो सुनो, ये सब लड़कियाँ मेरी सहेलियाँ हैं और इन सभी ने लहंगा चोली पहना है। चलो नमस्कार करो। ए, सुना नहीं रे तूने? चल कर। अब क्या सोच रहे हो तुम? इन्हें नहीं तो मैं अपनी बॉलीवुड वाली सहेलियों को बुलाऊं क्या? उनको नमस्कार करोगे ना? बॉलीवुड में है ना ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, बिपाशा बसु, ऐसी हीरोइने हैं। बहनों क्यों रे चकने, तुम ही हो वो जो हमें सलाम करना चाहते हो, तो सलाम करो, जल्दी करो, जल्दी। तुम लोगों को? और क्या, माय लवर बेटे। लवर? और नहीं तो क्या, आज 14 फरवरी है ना। क्या कहा? नमस्ते है ना। क्या कहा? हाँ, नमस्ते है ना। तुम लोगों के लवर्स भी है? और नहीं तो क्या, अर्जेंट पार्क में पहुंचना है, कमर ही लाना है, पसीना निकालना है। पसीना निकालने के लिए पार्क में जा रही हो? एक मिनट यहीं रुको। यहीं निकालेगा? तुम लोगों का पसीना यहीं निकालता हूँ। ए, तेरी बहन ने कुछ भी पहना हो पर वो तुझसे अच्छी थी। तूने साड़ी पहनी है पर लगती झगड़ालू बिल्ली है। हे, तुमने इतनी जल्दी हम दोनों में इतना बड़ा फर्क कैसे पता लगाया? अरे यही तो मेरा टैलेंट है। हाँ। ऐसा टैलेंट ना तुम्हारे बाप के पास है ना तुम्हारी माँ के पास। हेलो, डोंट डिस्टर्ब मी। शिव काशी पता लगा लेता है कि कौन सा बोल्ट कौन सी गाड़ी का है, फिर तुम क्या हो। और शिव काशी का स्टाइल भी जरा हटके है। भैया जरा 5 तरह से मुड़के तो दिखाओ। भाई जरा स्टाइल मार्च ले लो। हाय, साथ ही कॉलेज का स्टूडेंट राजू कौन है रे? मैडम मेरा दोस्त। मैं राजू। तुम्हारा दोस्त है? ए, चल मेरे साथ, चल चल। अरे मैडम सुनिए तो। मैडम साथ पता चल जाएगा। चल मैडम। क्या ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा है? वकील कहाँ है? ये रहा। ओके, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आप मेरे क्लाइंट को इतना क्यों मार रही हैं? इस रास्कल ने अपनी क्लास की लड़की का लव लेटर लिखा है। और नहीं तो क्या वो आपको लव लेटर लिखेगा? ए, तू लॉयर है तो लॉयर की तरह बात कर। शट अप, एसआई हो एसआई की तरह बात करो। ए, चुप हो जाओ। ए, क्या तूने सही में लड़की को लेटर लिखा? मैंने सिर्फ उसे ही नहीं सभी को लेटर लिखा है। हेलो, यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स। देखिए मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, हाथ नीचे कीजिए। हाथ नीचे। तूने और सबको लेटर क्यों लिखे? आप उन सभी लेटर्स को लाके पढ़ सकते हैं भैया, अगर आपको लगता है मैंने गलती की है तो मुझे सजा दे सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट किसने की? मेरी क्लासमेट देवी ने। इस वक्त कहाँ होगी? वो कॉलेज में होगी। मैं अभी देवी को लेकर आता हूँ। अगर मेरे दोस्त को आपने हाथ भी लगाया तो
इसने तुम्हें लेटर लिखा था, पढ़ो जोर से पढ़ना। राजू की तरफ से मिस देवी के लिए, मैं एक गरीब परिवार से हूं। मेरे पिता को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम चारों तरफ से कर्ज में दब गए। पढ़ते रहो। मेरी माँ रोज मजदूरी करती थी और मेरी पढ़ाई का खर्च चलाती थी। अपनी बीमारी की वजह से 2 महीने पहले मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। माँ की आत्मा की शांति के लिए मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी होगी, पर मैं अपनी परीक्षा की फीस नहीं भर पा रहा हूँ। मैं विनती करता हूँ कि आप मेरी हेल्प कीजिए। अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो मैं आपकी पूजा अपनी माँ की तरह करूँगा। सुनो, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता, तुम्हें अपनी माँ समझता है। पर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसा मैडम, अगर कोई लड़की की आप कंप्लेन लिखती हैं तो बिना कुछ सोचे समझे मारना चालू कर देती हाँ? एक बार भी पता नहीं करना चाहा कि किस परिस्थिति में लिखा है इसने? बोलिए ना एसआई जी। जाओ इस चैन को कहीं गिरवी रखकर फीस भर दो। ठीक है, चलता हूं। क्यों पीपी, तुम क्या सोच रहे हो? ये केस में कोर्ट में लड़ा होता तो क्या होता? कोर्ट में लड़ते क्यों? और तुम कोर्ट जाते कब हो? बिल्कुल ठीक बोला। ठीक बोला, ठीक बोला। ए, तुम मेरी बाइक में क्यों बैठ रही हो? कॉलेज से तुम उठाकर मुझे लाए थे, तुम ही मुझे वापस पहुंचाओ। देवी इसकी बाइक पर कहां से आ रही है? अरे आने की क्या बात करते हो, ये तो इसके साथ गई भी थी। सर आपके रेंज में तो हमारे पास बस एक यही कार बची हुई है। सर मैं तो कम से कम इस रेंज में तो हूँ, पर आपका दामाद तो इस रेंज में भी नहीं है। क्या कहा? सर आपकी बेटी तो रोज शिवकाशी के साथ बाइक पर कॉलेज आती है। तुम इस तरह के लेक्चर अपने कॉलेज में ही दिया करो, समझे ना? सर आफ्टर ऑल वो तो एक वेल्डर ही है ना। पिताजी अभी जाकर हम उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं। अच्छा तुम जरा शांत रहोगे? ठीक है सर, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा। सर उससे क्या होगा, आप अपनी जवान बेटी को समझा रहे हैं, ये सब सिम के रिचार्ज की तरह है, जिसके एक्टिवेट होने के बाद आउटगोइंग बिल्कुल फ्री होती है। भाई चलो कॉलेज चलते हैं, चलो। ए रुको रुको, रास्ते में पड़े हुए कचरे को क्या हम साफ करते हैं? है? म्यूनिसिपैलिटी को बुलाते हैं। वैसे ही इस काम के लिए पुलिस को फोन करो, वो ही जाकर उसकी हड्डी पसली तोड़ देगी। ए शिवकाशी कहाँ पर है? अभी वो टॉप पर है। टॉप पर है, अभी बताता हूँ तुझे। सही बता। क्यों सर, वो सही बोल रहा है, टॉप का मतलब ऊपर है सर। ए शिवकाशी चल नीचे उधर। लोग मेरे पास अपने पार्ट्स जुड़वाने के लिए आते हैं, आप क्यों आए हैं सर? पार्ट्स जुड़वाने नहीं आया हूँ, तेरे पार्ट्स तोड़ने आया हूँ। इस शहर के टॉप बिजनेसमैन हुंडई हनुमंत राय ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की है। वो कौन है? नाटक बंद कर, क्या हमें पता नहीं है तो उसकी बेटी को उठाकर ले गया था? मैं उठाकर ले गया था, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। ज्यादा स्मार्ट मत बन, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। जा उनसे जाकर माफी मांग ले तो तुझे छोड़ दूंगा। ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ, पर वो है कहाँ? इमेज गार्डन में। कौन से गार्डन में? इमेज गार्डन में। हे पीपी। क्या है शिवकाशी? ए पीपी, क्या तुम्हारी लॉ बुक में लिखा है कि एक यंग लड़का एक यंग लड़की से प्यार नहीं कर सकता? नहीं। ओहो, एक लड़की एक लड़का से प्यार कर सकती है, एक लड़का एक लड़की से प्यार कर सकता है, बस इस बात के लिए फॉरेन कंट्री में अलग से क्लब बने हुए हैं यार। और एक बात, एक लड़का एक लड़की से प्यार कर सकता है एज पर माई नॉलेज गोज 1955 to 1956। इस शिवकाशी ने सन 2008 से हुंडई हनुमंत राय की बेटी के साथ प्यार करना शुरू कर दिया है। अगर आप इस रूल को चेंज कर सकते हैं तो मुझे गिरफ्तार करो, मेरी बाइक की कीज। कजरारे 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 तेरे कारे कारे नैना, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, कजरारे कजरारे।
भाई जरा माइक देंगे? रुको रुको, हाँ हाँ, थैंक यू। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो, हाँ, यहाँ पर हुंडई हनुमंत राय नाम का कोई आदमी है क्या? हुंडई हनुमंत राय? मैं माइक ऑफ करके बात करूं या ऑन करके बात करूं? क्या बोलना चाहते हो? मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूं, यही कंप्लेन की थी ना? ये कोई कंप्लेन नहीं थी। जो तुमने मेरी तरफ से अपनी बेटी को दिया वो लव लेटर जरूर था। इसी समय से ये शिवकाशी तुम्हारी बेटी से प्यार करना शुरू करता है। ये कोई साधारण प्यार नहीं है बाबू, ये तो बहुत ही गहरा प्यार है, मतलब जन्म जन्म का साथ। अपनी मर्यादा में रहो और यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? पहले तुम्हारी बेटी से कबूल तो करवा लूं। 15 मिनट पहले मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, पर अभी मेरे दिल ने कहा, डियर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैंने 3 बार कहा, तुमने 1 भी बार नहीं कहा। कहो ना, जल्दी कहो ना, नहीं तो इस माइक से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। सेम टू यू, सेम टू यू, ब्लेस टू यू, क्या होता है डार्लिंग? आई लव यू बोलो, बोलो 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 बोलो, आई लव यू। फील के साथ बोलो डार्लिंग, फीलिंग, फील के साथ। ये कोई साधारण प्यार नहीं है बाबू। हाँ ऐसे ही। ससुर जी, आज से ही तुम्हारी बेटी से मेरा रोमांस चालू हो गया और जब मेरा मन करेगा हम लोग शादी कर लेंगे और उसके बाद हमारे 5 या 6 या फिर उससे भी ज्यादा बच्चे होंगे और उनके साथ खेलने के लिए उनकी एक बहन होगी। आप उनकी सुसु साफ करने के लिए तैयार रहिएगा ससुर जी। ए, क्या पुराने गाने सुना रहा है? अभी प्यार हुआ है, कोई लव सॉन्ग सुना? अरे शिवकाशी, ये सेंट की बोतल नहीं है जो बार बार स्प्रे कर रहे हो। ये शिवकाशी फायर को भी स्प्रे की तरह यूज करता है पीपी। चुटकी बजाकर बुला रहा है, किसमें इतनी हिम्मत आ गई? ये मत पूछो कि कौन है, खुद ही देख लो ना कौन है। ओह क्या हुआ बेबी? मैंने तुम्हें आई लव यू कहा तो तुम्हारी नींद उड़ गई और भाग के चली आई। तुम्हें आई लव यू कहने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स आती है, ये कहां से आ गई लोकल गर्ल? ए तू चुप कर। मुझे कहा क्या? तुमने सबके सामने जिसका अपमान किया वो मैं थी, बाइक पर जो बैठी वो मैं थी, मेरी ही चेन राजू को खींच कर दी, हमारी शिकायत भी प्रोफेसर ने की, आई लव यू कहने का वक्त आया तो मुझे छोड़कर मेरी बहन को कह दिया। बहन को क्यों? अरे बाप रे, वो तुम्हारी बहन श्रीदेवी थी क्या? और क्या, तुम जैसे लोफर लड़कियों से आई लव यू कहा, ये सदमा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने नींद की गोलियां खा ली। हेलो, अपोलो हॉस्पिटल में? अपोलो हॉस्पिटल, तुम कहाँ हो बेटी? सिस्टर सीरियस है। किसकी सिस्टर बेटी? क्या कहा? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? बचना नामुमकिन है। ठीक है डैडी, मैं दीदी की तरफ से एक स्टेटमेंट तैयार करूंगी, जो भी इसके जिम्मेदार है उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम तो क्या, इन सभी को, छोटू को, पतलू को, मोटू को, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने अगर तुम लोगों को जेल में नहीं डलवाया तो मैं श्रीदेवी की बहन नहीं। क्यों शिवकाशी, तुम तो बोल रहे थे कौन सा बोल्ट कहाँ का है मैं जानता हूँ, फिर दोनों बहनों का फर्क क्यों नहीं समझ पाए? खुद को जिगरबाज कहते हो, तुम्हारे इस जिगरबाजी की वजह से हम सबको जेल जाना पड़ेगा। भाई वो कब मरेगी और कब पुलिस आएगी? पुलिस आएगी, पुलिस बोले तो मामूली पुलिस नहीं आएगी, ये लेडीज केस है इसलिए लेडीज पुलिस आएगी। लेडीज पुलिस, लड़की को छेड़ता है। अरे शिवकाशी 5 मिनट की परमिशन दे दे, मैं अभी चड्डी बदल के आता हूँ यार। ए चड्डी नहीं शॉर्ट्स है। ए तुम चुप करो, तुम्हारे लिए शॉर्ट्स है, शिवकाशी के लिए चड्डी है, सही कहा ना शिवकाशी? अरे अरे ये मजाक करना जरूरी है क्या यहाँ? इस चड्डी के मैटर ने हम लोगों को खतरे में डाल दिया, अब हम क्या करें पीपी? हमें एक अच्छा वकील चाहिए। मैं भी अच्छा ही हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनीवे अगर आप टकलू विनायक राव के पास आते हैं तो सारी चिंताएं गायब। मेरे सर पे कोई केस हुआ नहीं और मैं अपने पास आया केस हारा नहीं। वेल, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल ही जाएगी, लेकिन क्यों चाहिए? सर मेरे दोस्त ने सिर्फ उसे आई लव यू कहा था सर। ओके, उसने नींद की गोली खाकर आत्महत्या करनी चाहिए सर, अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है सर। क्या कहा?
आई लव यू कहने के बाद कोई हॉस्पिटल जाता है क्या? कोई परेशानी नहीं होती अगर इसने ढंग से कहा होता सर, लेकिन हमने शिवकाशी का स्टाइल हटके है। अच्छा बैठो, पर उसके पिता का क्या नाम है? हुंडई हनुमंत राव है सर। जानता हूँ, बहुत मशहूर व्यक्ति है, हुंडई कंपनी का मालिक है ना? हाँ सर, मेरे दोस्त ने उसकी छोटी बेटी श्रीदेवी को आई लव यू कहा सर, इसी बात पर उसने आत्महत्या करनी चाहिए सर। पुलिस हम लोगों को अरेस्ट कर ले इससे पहले आप हम लोगों को बेल दिला दीजिए सर। दिला दीजिए सर, मैं आपको बेल दिलाऊं? पर आप भी तो वकील है ना? यही तो मेरी बदनसीबी है, ये लोग मुझे वकील नहीं समझते सर। सर असली बात ये है कि सन 1950। आप लोगों को बेल की जरूरत नहीं। क्यों? हनुमंत राव जी की दो बेटियां नहीं है क्या? उनकी केवल एक बेटी है। हेलो लायर, तुम्हें क्या लगता है हम दिमाग घर पर रख कर आए हैं? हमारा दोस्त कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, स्मार्ट आदमी है ना शिवकाशी? अरे मैं उनका फैमिली लॉयर हूँ। कहना क्या चाहते हो, क्या ये अनाथ लायर है? ए शिवकाशी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका नाम श्रीदेवी नहीं देवी है। ये स्पीकर फोन है, मैं अभी उससे बात करता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा यही बैठे बैठे। लो सुनो, रिंग बज रही है, रिंग बज रही है। हेलो। हेलो। यस, मैं विनायक राव बोल रहा हूँ। हाय अंकल, कहिए कैसे फोन किया? अरे बेटी कुछ नहीं, बस मैंने सुना था तुम्हारी लड़ाई हो गई थी कुछ दिन पहले मार्केट में। ओ वो लड़ाई, जस्ट अ फनी इंसिडेंट। शिवकाशी नाम का एक बहुत बड़ा बेवकूफ वहाँ रहता है। अच्छा ऐसा क्या? मैंने उसे ये भी कहा है कि मेरी एक बहन है श्रीदेवी, पहली बार जब मैं उससे मिली तो थोड़ी स्टाइलिश थी, थोड़े मॉडर्न कपड़े पहने थे, और अगली बार जब मैं मिली तो मैंने लहंगा चोली पहना था। पता है वो बहुत डर गया है, उससे बड़ा उल्लू आपने कभी नहीं देखा होगा। नहीं मैंने नहीं देखा, सच कहता हूँ। और पता है अंकल, उसके साथ उसके जैसे ही चार बेवकूफ दोस्त भी हैं। सही कहा, जस्ट पुलिस कंप्लेन की धमकी दी थी। क्या आपको पता है वो अभी कहाँ होंगे अंकल? कहाँ होंगे? कहाँ जाएंगे? शहर के किसी गधे वकील के पास गए होंगे। बेटी दूसरी लाइन पे मेरा फोन आ रहा है, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? ए लॉयर, हमें बेल की जरूरत नहीं है, जरूरत तो उसे है, फ्रंट बेल, बैक बेल, साइड बेल, तैयार करके रखना, चलो रे। Hey, you, श्रीदेवी? Yeah. क्या तुमने मेरे भाई को डांटा? भाई? Yeah. हम दोनों जुड़वा हैं। मेरे भाई का नाम शिवकाशी है, मेरा नाम स्टाइल काशी है, बाप का नाम वाराणसी है, माँ का नाम उत्तराकाशी है। पर अभी ये मैटर नहीं है। मेरा भाई खुदकुशी की कोशिश करता है अगर उसे कोई डांटे। कारण कौन? You. तो सोचो अब क्या हुआ होगा। ओके, शायद किसी ट्रेन के नीचे आ गया होगा। ट्रेन के नीचे? हाँ, अगर वो ट्रेन के नीचे आ गया होगा ना तो ट्रेन खराब हो गई होगी, उसको कुछ नहीं होगा। तो उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे नहीं, उसको खाली खरोच चाहिए होगी, बर्नोल लगा के ठीक हो जाएगी। पर आप कौन है? मैंने आपको शिवकाशी के साथ देखा है। यस, शिवकाशी के पास मेरा भाई है, वो थोड़ा गंजा है, मेरे पास विग है। हेयर स्टाइल। तुमने मुझे चीट किया है। चीट किया? और तुमने क्या किया था? तुमने कहा मेरी बहन हॉस्पिटल में है, एडमिट है। कहाँ है दिखाओ ना, तभी मैंने सोचा कि तुम्हें सबक सिखाऊं। ए, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। इन लोगों को बाहर जाने को कहो। वी ऑल आर फ्रेंड, इनके सामने ही बोलो। बहुत सीक्रेट मैटर है। हमारे बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं है, तुम बोलो। देन ओके, I love you. तुम लोग बाहर जाओ रे। हम तुम्हारे दोस्त हैं ना? काहे के दोस्त, बाहर जाओ रे। ठीक है रे,
जा रहा हूँ रे, तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा रे। आज तक मुझे जज ने भी कोर्ट से बाहर नहीं निकाला, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। ये केस अमेरिका कोर्ट में जाएगा, मैं लेके जाऊंगा। पीपी पासपोर्ट बगैर अमेरिका कैसे जाएगा? तू चुप कर रे। ए, अभी तक हम लोग दोस्त थे, अब दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहा है। पीपी, ये तुम्हारा पहला केस है, अच्छी तरह से लड़ना। अरे इस केस में मुझे पैसे तो मिलेंगे ना? अगर पैसा मांगा तो लोग तुम्हें लॉयर नहीं दलाल कहेंगे। अभी तक वो आया क्यों नहीं? लगता है हीरोइन के साथ। ये सब नौटंकी बंद करो, अंदर तुमने क्या किया वो बताओ। मैंने सब सच कह दिया। ये तो इसकी भाषा है, अपने आप को स्मार्ट समझता है। अंदर क्या हुआ बताना। देखो मुझे लव वगैरह में कोई बिलीव नहीं, पर फिर भी तुमने मुझसे लव किया तो फंस जाओगी। मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर हार्ड स्टडी करके अपने फादर के चूज किए लड़के से शादी करोगी तो तुम भी खुश रहोगी और मैं भी खुश रहूंगा, देन ओके ना? मुझे एक बात बताओ, फिर उस दिन तुमने वेडिंग हॉल में मुझे आई लव यू क्यों कहा? ओहो, उस दिन तुम्हारे बाप को सबक सिखाने के लिए। लेकिन तुमने मुझसे ये कहा। उस दिन का स्टाइल अलग था, फ्लो में निकल गया, तुम भूल जाओ उसे। देखो तुम पहले आदमी हो जिससे मैंने पहली बार आई लव यू कहा है। मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, तुम मानो या ना मानो, आई लव यू। ओ, सेंसिटिव लव है। बी सीरियस, इट्स अ सिंसियर लव शिवकाशी, आई लव यू। इस सिंसियर लव का मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना, फैमिली के खिलाफ जाके शादी करना, यही सब ना? ओके, तुम्हारे सिंसियर लव को टेस्ट करते हैं। क्या तुम 10 माले की बिल्डिंग से कूद सकती हो, चलती बस में चढ़ सकती हो, अपने लवर के लिए कुछ भी कर सकती हो? मैंने जो तुम्हारा ये टेस्ट लिया, पता नहीं वो तुम्हारे फायदे के लिए है कि नहीं, पर मेरे लिए तो ये टेस्ट बहुत फायदेमंद है, ठीक है ना? क्या तुम मेरे साथ फुल नाइट गुजारना पसंद करोगे? ए, लगता है तुम्हारा सिंसियर लव का भूत उतर गया। अरे यार, ये तूने क्या किया? अगर उसने कुछ कर लिया तो? अरे शिवकाशी, वो जा रही है, उसे रोको ना। क्या कहा उसे रोकूं? उस दिन साड़ी पहनने को कहा तो लव में पड़ गई, आज साड़ी उतारने को कहा तो लव खत्म। दैट इज लाइफ, समझे क्या? तुम यहाँ? ये सब क्या है? तुमने ही बुलाया था और मैं यहाँ पर आ गई। ए, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। ए, कहाँ जा रही हो? सुनो, ये देखो, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मिल्क, स्वीट्स, सब कुछ है, आओ। ए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, पहले तुम यहाँ से जाओ। तुमने शरारत की, मैंने उसका बदला लिया, हम दोनों का हिसाब बराबर, इज्जत से यहाँ से चली जाओ। ए, तुम वो पहले आदमी हो जिसने मुझे मेरे प्यार को साबित करने को कहा, और मैं वही साबित करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसे मत देखो, आओ आओ। ठीक है, भरोसा हो गया, चलो जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हुआ? हो गया, अब जाओ यहाँ से। देवी, देवी। मेरे भाई, अगर मैंने जाकर दरवाजा खोला तो वो मुझे ले जाएंगे। ए! ए, बिना कुछ जाने बगैर मेरा कॉलर मत पकड़ो, हाथ हटाओ। हम तुम्हारे दोनों हाथ पैर तोड़ देंगे। भैया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगी, घर नहीं आऊंगी। मैं इनसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ फूलों के साथ ही नहीं बल्कि भरोसे के साथ आई हूँ। मैंने सोचा था कि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया होता और मेरे भरोसे को तोड़ा होता तो मैं ये जहर खाकर अपनी जान दे देती। ए, एक अमीर लड़के से एक गरीब लड़की के प्यार करने के 1000 मतलब हो सकते हैं, पर जब वो लड़की तुम्हारे जैसे लड़के से प्यार करे तो उसका एक ही मतलब है, वो है प्यार। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें कोई प्यार करे? क्या तुम्हारे पास पैसा है, जायदाद है? आफ्टर ऑल तुम वेल्डर ही तो हो, और उसे देखो, बिना किसी स्वार्थ के वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। शिवा, तुम अपने आप को अनाथ समझते हो ना? अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो सब मिल जाएगा जो तुमने खो दिया।
वो तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर उसे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। भाई कॉलेज फीस भरने के लिए तुमने उसकी चेन मुझे दी, बाद में वो चेन छुड़वा ली। हम तुम्हारे दिल को जानते हैं शिवकाशी, उसकी चेन लौटाने के बहाने उसे अपने दिल का हाल बताओ प्लीज। जाओ क्या तुम ही दरवाजा बंद कर सकती हो? मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ क्यों आए हो? चेन लौटाने। चेन लौटाना चाहते थे तो इतनी रात को इतना रिस्क लेकर क्यों आए? सुबह भी आ सकते थे। मुझे लगता है चेन लौटाने के बहाने पराई लड़की के कमरे में घुसकर उसे इम्प्रेस कर लोगे तो तुम सही सोच रहे हो। हा? तुम पराई कहाँ हो? तुम तो मेरी लवर हो। क्या कहा? लवर हूँ? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार से बात की है? कभी सिनेमा या पार्क लेकर गए हो? क्या कभी कोई फोन किया? और कभी एक छोटा सा एसएमएस किया? लवर बनते हैं। हाँ बोलो, क्या कभी तुमने मुझे किस किया? क्या कभी मुझे अपनी बाहों में भरा? ये देखो शर्म आ रही है। ऐसा क्या? अभी तुम्हें बाहों में भरता हूँ। आगे आओ, यहाँ कोई भी नहीं है। नई नई दुनिया बसाए हम, प्यार में तेरे खो जाए हम, तन और मन से मिले हम दम, खुशियां मनाए जन्म। ये दुनिया हमारी खुशियों से भरी, अरे आए ना कभी कोई दुख की घड़ी। तारे गिनता रहता हूँ, चाहिए है मस्ती जब से आए तुम, जीवन में मेरे खुशी लाए हो। मैं जहाँ भी रहूँ दिल खोया रहे, तुम पास जो होती हो तो चैन आता है। मनाएंगे जन्म जन्म। तारे तोड़ लाऊं मैं, कर
कदमों पे आसमां झुकाऊं मैं। धरती में चाहे फूल खिल जाए, पानी भी आसमां में मिल जाए, मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूंगी, तुम ही तो हो मेरे सर के ताज। ये दुनिया हमारी खुशियों से भरी, आने आए ना कभी कोई दुख की घड़ी। नई नई दुनिया बसाए हम, प्यार में तेरे खो जाए हम, तन और मन से मिले हम दम, खुशियां मनाएंगे जन्म जन्म। ये दुनिया हमारी खुशियों से भरी, अरे आए ना कभी कोई दुख की घड़ी। चलता हूँ। भैया हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये सब क्या है? तुमने एक सुंदर लड़की पैदा की है और साथ में दो कमीने भी। ना मर्द है हरामखोर। ए, ए। आवाज नीची करके बात करो। कहाँ चली गई थी तुम्हारी मर्दानगी जब पीछे से हमला किया था? डैडी इसकी बात मत सुनो। इस कमीने आदमी ने कल आधी रात को हमारी बहन देवी को अपने रूम में बुलाया था। आज भी रात को देवी के कमरे में घुसा था, इसलिए हम इसके हाथ पैर तोड़ देना चाहते थे ताकि इसे समझ मिल सके। क्या तुम ये नहीं जानते शिव कि आधी रात को किसी लड़की के घर नहीं जाना चाहिए? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपकी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। हम तेरी शादी इससे क्यों करें? तू डॉक्टर है या इंजीनियर? अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, वेल्डर हूँ मैं। एक भिखारी भी अपनी बीवी की देखभाल कर लेता है, तुम नया क्या करोगे? माँ बाप का पता नहीं और तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, अनाथ हो तुम, देखभाल क्या खाक करोगे? अगर दोबारा अनाथ बोला ना तो चीर के रख दूंगा। अगर तू अनाथ नहीं है तो अपने बारे में बता। मैं विवेक सन ऑफ हनुमंत राय, ये देवी डॉटर ऑफ हनुमंत राय, और तुम, तेरा क्या, कहाँ की पैदाइश है रे? अगर तुम्हें हर सवाल का जवाब हाथों से ही देना है तो यहाँ से चले जाओ। मैं अनाथ नहीं हूँ पर अनाथ की जिंदगी जी रहा हूँ। तुम ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? तुम अपने बारे में क्यों नहीं बताना चाहते? नहीं तो तुम अपने साथ साथ मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करोगे, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम आखिर बता क्यों नहीं देते हो? मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं शादी के कार्डों पे क्या लिखूंगा? अपने रिश्तेदारों को मैं क्या बताऊंगा? अपने भाइयों को मैं क्या समझाऊंगा? तुम अपने भाइयों से कह देना चिंतामणि राजेश्वर राय के यहाँ शादी कर रहा हूँ।
जो बिलासपुर जिले का एक प्रतिष्ठित परिवार है। ये क्या है? पटाखे हैं। कहाँ से मिले? मैंने खरीदे हैं, कल विजयदशमी है ना, मैं इन्हें फोड़ना चाहता हूँ। लेकिन पैसे? ये पैसे मैंने अपने पॉकेट मनी से बचाए हैं पिताजी। नहीं पिताजी, इन्हें चोरी करते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। हाँ पिताजी, मैंने भी देखा था। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। रुकी, क्यों रे, तूने ऐसा क्यों किया? पहले तुमने पैसे चुराए, अब झूठ बोल रहे हो? अरे अरे रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप रहो लक्ष्मी, इसे आज खाना मत देना, ये मर जाएगा। ऐसा बेटा नहीं चाहिए। मुझे भूख लगी है माँ। अभी देती हूँ। महालक्ष्मी, अगर तुमने इसे आज खाने को दिया तो मैं एक महीने तक खाना नहीं खाऊंगा। ए, कल विजयदशमी है, आज तुमने ये क्या किया, उसे खाना खाने क्यों नहीं दिया? सुनिए जी, त्योहार के समय आप इसे भूखा रख रहे हैं। महालक्ष्मी, अगर मैंने इसे अभी नहीं संभाला तो कल ये बड़ा होगा और भी बिगड़ जाएगा। यही उम्र है इसके बिगड़ने और सुधरने की। ये सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है। आज सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे भी खाने को मत दो। दुर्गा भवानी की, दुर्गा भवानी की। सच में इसके शरीर में भवानी है क्या? नाटक करिए यार। मेरी दादी माँ ने मुझे बताया देवी माँ उसी के शरीर में आती है जो उसका सच्चा भक्त हो। मैं दिखाऊंगी तुम्हें नाटक कर रही है। तुम कैसे बताओगे? चलो रे। अरे शक्ति, हाँ। वाले पटाखे दादी के कमरे में पड़े हैं, जा जल्दी ले आ। नहीं पिताजी, मुझे मारेंगे। उन्होंने फोड़ने के लिए मना किया है, यहाँ लाने के लिए नहीं। तब मुझे चश्मा दोगे? अभी ले, जल्दी लेके आना। ए शक्ति, ये पटाखे कहाँ लेके जा रहा है? हैं? ज्यादा पूछोगी तो बहरा कर दूंगा। ये बच्चे तो बड़े बदतमीज हो गए हैं। भैया ये पकड़ो। जलाकर मार दिया, पूजा वाले दिन मेरी बेटी को मार दिया तुमने, जहाँ से मार दिया। मैंने भी देखा था इसे घर से पटाखे लाते हुए, जब मैंने इसे मना किया कहने लगा मैं तुम्हें बहरा बना दूंगा। ए, बताओ
तुमने ही आग लगाई ना? नहीं पिताजी, मैंने आग नहीं लगाई। मैं यहाँ पटाखे लाया था पर मैंने इसे जलाया नहीं। तुमने नहीं जलाया तो किसने जलाए? मुझे सच सच बताओ। पिताजी, पटाखे इसी ने जलाए हैं। पटाखों से अपनी आंखें बचाने के लिए इसने मुझसे चश्मा मांगा था और वो चश्मा अभी भी उसके पास है, देखिए। राजेश्वर राय जी, इसके गले में चश्मा अभी भी है, इससे बड़ा सबूत क्या है? पिताजी, भैया ने मुझे पटाखे लाने को कहा था। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो और अब भाई पे आरोप लगा रहे हो। रुकिए, रुकिए, इसे मत मारिए। मैंने कुछ नहीं किया। विजयादशमी के दिन तूने इस गांव को दुख से भर दिया। तुझे यहां रहने का कोई हक नहीं। इस गांव से निकल जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहां से। कहीं भी जाओ पर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने इसे गांव से बाहर जाने को कहा था, फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये तो अभी बच्चा है। एक औरत की जान ली है इसने, फिर भी लोगों ने इसे कुछ नहीं कहा। पता है तुम्हें, वो मेरी इज्जत करते हैं पर इसने त्योहार को मातम में बदल दिया। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। अगर इस घर में वापस आना है तो उसी दिन आना जब मैं मर जाऊं। तभी इस घर में आना जब मैं मर जाऊं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं महालक्ष्मी? अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा मारा मुंह देखेगा। यही मेरा धर्म है जो मैं कर रहा हूं। इसने जो कुछ भी गलती की है उसकी सजा मैं भी भुगतूंगा। साल पहले की बात है, तब से मैं वहां नहीं गया। जब भी मुझे कोई शक्ति कहता है तो मुझे माँ की बहुत याद आती है। अपने घर के लोगों को भुलाने के लिए मैंने अपना नाम बदलकर शिवकाशी रख लिया। स्टोरी बहुत अच्छी है डैडी, आपको भरोसा हुआ? मैंने नहीं कहा कि तुम भरोसा करो, लेकिन मैंने सच कहा है। ओके ओके, अपने घर जाओ और घर वालों को यहाँ लेकर आओ। मेरे परिवार ने वही कहा जो हर दुल्हन के घर वाले कहते हैं। ठीक है, विजयादशमी के दिन ही उनसे अलग हुआ था, अब अगली विजयादशमी के दिन मैं उनके साथ आऊंगा। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी।
मालिक मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे अच्छे लोग पसंद नहीं, बुरे पसंद है, क्योंकि मैं शैतान हूँ। पर मालिक मैं कह रहा, बैठो 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 बैठो। कैसे हैं आप लोग, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दुर्गा। तुम अपने खानदान के पहले आदमी हो जो अपनी जायदाद बेच रहा है। अरे मैं कितने सालों से घाटे में मिल चला रहा हूँ। मिल बेचने से पहले कम से कम एक बार सोच लो दुर्गा। अरे जब मुझे अपनी 2 करोड़ की जायदाद बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें उसमें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम यहाँ गवाह के तौर पे आए हो ना, तो चुपचाप तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो? मुंह बंद रखो, चाय पियो, ऐश करो। सर सब तैयार है ना? तुम मुझे दो। कौन हो तुम लोग? ये जायदाद तुम्हारे पुरखों की जायदाद है, इसे तुम इस तरह बेच नहीं सकते, इस पर तुम्हारे भाई का भी हक है। और हाँ, बिना हमारी सहमति के तुम ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हाँ वो बहुत साल पहले मर गया है। क्या सबूत है? बोलो बोलो। चिंतामणि राजेश्वर राय के जायदाद का असली वारिस शक्ति है। हमारा शक्ति जरूर वापस आएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, और जल्दी पेपर दो, मैं साइन करूंगा। और आपका भाई वापस आ गया तो? अरे किस भाई के बारे में बात कर रहे हो तुम? वो 15 साल पहले घर से भाग गया था, वो अब नहीं आएगा। अगर तुम्हारे भाई की मौत का कोई सबूत मिल जाए तो बहुत। दिमाग खराब हो गया तेरा? कोई बस, ट्रक या ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई होगी, वो जरूर मर चुका होगा। यहाँ पर आने का मतलब उसे नर्क से वापस आना होगा। और नर्क से कोई भी वापस नहीं आता है, जानता है ना? अगर इस घर में वापस आना है तो तभी इस घर में आना जब मैं मर जाऊं। खेती में अच्छी कमाई हुई हमें। अच्छा, और तुम्हारा क्या हुआ? इस बार तो मुझे बहुत घाटा हुआ भाई। जरा सुनिए तो, इस गांव में चिंतामणि राजेश्वर तो कब के मर चुके। उनका बेटा एमएलए है, उनके घर का पता बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर किससे मिलना है बताओ? मुझे एमएलए साहब से मिलना है। भाई बुट्टू भाई, कौन है रे? एमएलए से मिलने कोई शहर से आया है? कौन हो भाई जो एमएलए से मिलने आए हो? पहले भक्त से मिलो फिर भगवान से मिलना, और उनसे मिलने के पहले तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। आज उनका जन्मदिन है और वो अपने ससुर के आ गए हैं, उनका आशीर्वाद लेने, समझे? और उनकी माँ? वो कहीं कोने में पड़ी होगी, हमें तो सब कुछ देखना पड़ता है। चल निकल। जब देखो मरता रहता मुझे। जरा सुनिए। हो गया है क्या ये देवता, इस हाल में है क्यों मां? हो गया
गया है क्या ये मेरे देवता, महारानी की ये हो गई दशा। साथ तेरे चाहे कोई क्यों ना हो, पर मेरी माँ मैं हूँ ना। जो था स्वर्ग से सुंदर बना तेरे लिए नरक ये घर, धैर्य भूमि सा तूने धरा, नहीं फिर भी आज तेरा कोई। तुम कौन हो बेटा? तुम्ही से पूछ रही हूँ। जी मैं एमएलए से मिलने आए हो? उनसे मदद मांगने आया हूँ। आप हंस क्यों रही हैं माँ जी? उसने अपनी माँ को छोड़ दिया है इस तबेले में सड़ने के लिए। पर आपके पास तो इतना बड़ा घर है ना, फिर आप यहाँ क्या? बताओ बेटा, ये मेरा नसीब है। मेरे दो बेटे हैं, छोटा बेटा बहुत निर्मल है, बिल्कुल गंगा के पानी जैसा, पर हमें वो छोड़कर चला गया। बड़ा बेटा बिल्कुल गंदे पानी की तरह है, गंदी नाली की तरह, इस गोबर के जैसा। इसीलिए मैं अपने छोटे बेटे के बारे में सबको बताती रहती हूँ, लेकिन बड़े के बारे में नहीं। क्या करूं, मेरा नसीब ऐसा भगवान ने बनाया है। अपने जन्मदिन पर सिल्क का कपड़ा ससुर को और गहने बेबी के लिए और माँ के लिए, ये देखो। जब वो छोटा बच्चा था तो माँ माँ करके मेरे पीछे आगे घूमता था, लेकिन उसने बेटे होने का फर्ज इस तरह से निभाया है, इस तबेले में छोड़कर। मेरे साथ पागलों की तरह और जानवरों की तरह व्यवहार करता है। आपका छोटा भगवान, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? तुम सबको मेरा माल खाते देखा ना, तो हार्ट अटैक आ गया। ये क्या बेटा, तुम इतनी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? ऐ, मुझे अच्छाई पसंद नहीं, बुराई पसंद है, क्योंकि मैं शैतान हूँ। क्यों माँ, तुम अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर रही हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ए, बेशर्म, तूने एक ही नजर में उस लड़के को फंसा लिया और अब इतना खर्चा करवा रही हो। अरे कम से कम जो खाने में खर्चा हो रहा है वो तो तुम बचा सकती थी। अरे रे 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 रे, देखो कैसे खाए जा रहे, बाप का माल है ना, जो इस तरह खाए जा रहे हो। अरे जब मेरा माल खा ही रहे हो तो खाओ, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक खाओ। ऐश्वर्या, मैं तुम्हें पसंद हूँ? बोलो, मैं तुम्हें पसंद हूँ? ए, ये तुम क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या, गले में मंगलसूत्र बांध रहा हूँ। तुम अगर इस लड़की से शादी करोगे तो कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ऐश्वर्या, गहने उतार दो। लो, इन्हें भी रख लो। ये भी रख लो, उस भोजन का जो हमने तुम्हारे घर में खाया, और बचा हुआ साफ कर लो। चलो ऐश्वर्या।
पागल है। मेरी तरह मेरी बेटी में भी आत्मसम्मान की कमी नहीं है बेटा। उसका आत्मसम्मान मुझसे ज्यादा है। वो सड़क के किनारे छोटी सी चाय की दुकान चलाती है। मेरी आंखों में आंसू है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। पर तुम क्यों रो रहे हो? मुझे मेरी बहन की याद आ गई। रुको, कहाँ गया? ये मेरा मंगलसूत्र है जिसे मेरे पति ने शादी के समय बांधा था। ये तुम अपने बहन के लिए ले लो, ले लो बेटा। माँ जी, यहाँ ऐश्वर्या कहाँ रहती है? वो देखो, वहां पर रहती है। हो गया है क्या ये देवता, इस हाल में है क्यों बहना, मेरे जैसा भाई क्यों मिला, होते हुए मेरे मिला ये सिला। ये बंधन था प्यारा सा, नदिया की धारा सा, नदिया खामोश धारा चुप, कहने को अब नहीं कुछ। कॉफी चाहिए या चाय? मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। तो क्या हुआ, कॉफी चाहिए या चाय चाहिए? ऐश्वर्या, क्या तुम ही हो? मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे भाई दुर्गा प्रसाद के यहाँ से आ रहा हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा है, तुम्हारी माँ ने भेजा है। माँ ने अभी तक जिंदा रखा है उसे? ऐसे बेटे को जन्म देने की यही सजा मिलनी चाहिए उन्हें। और तुम वहाँ जाकर यहाँ क्यों आए हो? तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। विधि का विधान हुआ क्यों, दे रहा मुझे ऐसी सजा क्यों तू? क्या बताऊँ कौन हूँ मैं, बहना गम नहीं सह पाया दिल। मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, कौन हो तुम बताओ मुझे? तुम मुझे भाई कह सकती हो, मैं दूर का रिश्तेदार हूँ। छोटा भाई भाग गया, बड़े ने मुझे निकाल दिया, अब देखो हम रोड पर रह रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता मेरे लिए नहीं है। ऐश्वर्या, मैं मंडी की तरफ से राइस मिल जा रहा हूँ, बातें कम करो, दुकान पे ध्यान दो। माँ, 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 एक ग्राहक ने चाय के पैसे दिए हैं। नन्हे से परे का दोष क्या, नन्हे हाथों में है ये सब क्या, पत्थरों को माना है भगवान, पर वैसा ही कठोर तेरा मन। चाहे है सभी बच्चों की खुशी, मगर ऐसा क्यों कभी होता नहीं। ये लो माँ, क्या मैं ले लूं? माँ, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों खरीदा? क्योंकि मैं तुम्हारे घर में रहने वाला हूँ। तो फिर अब मैं वही खाऊंगा जो तुम्हारी माँ पकाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं? मुझे मामा कह के बुलाओ। मुझे मामा पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बड़े मामा जो है
मुझे देखने कभी नहीं आए, समझे? मेरे छोटे मामा जब छोड़कर गए थे तब मेरी माँ मेरे बराबर थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मेरे छोटे मामा आएंगे तो वो कान के बाले लाएंगे। जब तक मेरे छोटे मामा वापस नहीं आते मैं किसी को मामा नहीं कहूंगी। ओके, मामा मत बोलो, फ्रेंड बोलो। माँ, दोस्त बना लो। ओके, फ्रेंड। भाई, संक्रांति और दीपावली हर किसी के लिए त्योहार होता है, पर जिस दिन तुम वापस आओगे वही दिन तुम्हारी माँ और बहन के लिए असली त्योहार का दिन होगा। तुम्हारी माँ ने तो हमसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया, क्योंकि एक दिन तुम वापस जरूर आओगे, इसी उम्मीद पर अभी तक वो जी रही है। तुम्हारी बहन तुम्हारे घर से कभी साड़ी और गहने भी नहीं मांगती, वो सिर्फ चाहती है कि उसका भाई शक्ति घर पे वापस आ जाए, और तुमने तो उसे बताया भी नहीं कि मैं ही तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूँ। छी, तुम भाई कहलाने के लायक नहीं हो। राजमहल में महारानी की तरह रहने वाली मेरी माँ आज अपने ही घर में भिखारन की तरह रह रही है। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसका बेटा हूँ? राजकुमारी जैसी मेरी बहन आज रोड पे चाय बेचने पे मजबूर है, उसे कैसे बताऊं कि मैं ही उसका भाई शक्ति हूँ? हाँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैंने कहा है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा भी एक खुशहाल परिवार है। अब मेरी समझ में आ गया है, प्यार और शादी मेरे लिए नहीं है, मेरा परिवार ही सब कुछ है। मैं अपनी माँ को उसी घर में महारानी की तरह रखूंगा, तब मैं उसे बताऊंगा कि मैं ही उसका बेटा हूँ, और अपनी बहन को वापस उस घर की राजकुमारी बनाऊंगा, तब उसका भाई कहलाऊंगा, तभी पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। तब तक मैं कौन हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारे भाई को पता चला तो तुम्हें जान से मार डालेगा। ऐसे कैसे मार डालेगा? वैसे ही मार डालेगा जैसे क्या कहा उसने, पिताजी को मारा? बता मुझे पिताजी की मौत कैसे हुई, बता कैसे पिताजी की मौत हुई, क्या हुआ जल्दी बताओ। मालिक, हमें माफ कर दीजिए, ये आपका बेटा है फिर भी हमने इसे बांध कर रखा, हम अगर इसे नहीं बांधते तो ये हमें मार डालता। मालिक, इसने मेरी बेटी की इज्जत लूट कर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मालिक, तू चोरी करता है, तू सिगरेट भी पीता है, दारू पीना भी चालू कर दिया है, और अब तूने एक लड़की की इज्जत भी लूट डाली। तू लगता है तू मेरा खून ही नहीं है। मुझसे क्या पूछते हो, जाके अपनी बीवी से पूछो। ये सदमा तुम्हारे पिताजी सह नहीं पाए और हार्ट अटैक से मर गए। स्वामी, वो तुम्हारा भाई जा रहा है। Hey!
कितना घुसा है हम लोगों के गेट तोड़ा है। अरे अरे मारो, अरे ना मारो, मारो ये क्या है? मेरे दोस्त की बीवी का लिखा सुसाइड लेटर है। तो तुम इससे मुझे क्यों डरा रहे हो? क्योंकि तुम ही हो जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई। ओ! अच्छा, तुम्हारे दोस्त की बीवी उन्हीं लड़कियों में से है जिनकी जिंदगी मैंने बर्बाद की। अरे बाप रे, क्या हुआ भाई, किसने मुझे बुलाया था? अरे बाप रे, जांच शुरू करो। ये घर है या तालाब? पर फूल कहाँ से आए? पुलिस कहाँ से आ गई? आपके ऊपर अटैक हुआ सर? हाँ, अटैक मैंने किया, ये सब मैंने किया, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, ये तो मजाक कर रहा है। पर ये है कौन सा? ये मालिक का दूर का रिश्तेदार है, अपने परिवार से मिलने आया है। ये झूठ बोल रहा है सर, मैं ही हूँ जिसने ये सब किया है, अरेस्ट कर लीजिए। अरे बात सुनो, मजाक करने के भी हद होती है। पर सभी के चेहरे से खून निकल रहा है। अरे वो तो ऐसे ही है सर, अगर अपोजिशन पार्टी ने हमारे एमएलए साहब पे हमला किया तो हम उन्हें बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। बोलो ना। अरे कितना कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है ना, नहीं समझे ना? ये हमारा आपस का मामला है, पुलिस को दखल नहीं देना चाहिए। जाओ। पर सर वो जाओ। यस सर। इधर से जाओ। चलो सर। जाओ। पुलिस को तो तुमने भेज दिया, पर पुलिस स्टेशन कहाँ है ये मैं जानता हूँ। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये लेटर सभी कोर्ट में दूंगा, तुम्हें फांसी लग कर रहेगी। ओ, अब मुझे पता चल गया कि तुम यहां पर क्यों आए हो। इस लेटर के लिए तुम्हें कितना चाहिए? एक, दो, तीन, चार, पांच। अरे आप भी क्या एक दो तीन चार पांच गिनती कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं क्या? इसको 10 दीजिए और मामला फिट कीजिए। हाँ। मैं पैसे लेकर आता हूँ। जल्दी लेकर आ। ठीक है, हटे। देना। अरे पैसा ला रे। पैसा? अबे पैसा इसमें लेकर क्यों आया? क्या पैसे पर्स में लाता? पूरे 10 लाख हैं। 10 लाख? तुम बहुत बड़े दिल वाले हो टपलू। चलता हूँ। अरे रे रे रे, लेकिन लेटर। अरे क्या है ये? तो केवल कोरा कागज है, असली तो पोस्ट कर दिया। चलता हूँ ब्रदर। मालिक पुलिस को फोन करें क्या? अब लोग मुझे एमएलए दुर्गा प्रसाद नहीं, मेंटल दुर्गा प्रसाद का। डैडी, ये अभी भी उसका वेट कर रही है, वो वापस नहीं आएगा। फैमिली की बात सुनते ही वो यहाँ से भाग गया। इसकी शादी कर दो, इसका मुंह बंद हो जाएगा। वो अकेली नहीं है जो मुंह बंद रखेगी, मैंने तुम दोनों की शादियां तय कर दी हैं। तुम्हारी बीवी आएंगी तो तुम्हारा भी मुंह बंद हो जाएगा, और हम किसी का भी रिश्ता बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। हमारा 4 लोगों का परिवार है और वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है बेटा। विजयादशमी के दिन वो आएगा, तब तक इंतजार करो। ए, देखो, तुम लोग सोचते थे ना कि मेरा भाई जिंदा वापस आ जाएगा, पर मेरे हाथ सबूत मिला है कि वो जिंदा नहीं है। मैंने पेपर में एक पब्लिक नोटिस दिया है। बड़ी से मैं स्वर्गीय चिंतामणि राजेश्वर राय का बेटा अपनी राइस मिल को बेचने जा रहा हूँ। अगर किसी को आपत्ति है तो 15 दिन के अंदर कोर्ट में क्लेम कर सकता है। बाय चिंतामणि दुर्गा प्रसाद। और अभी तक कोई नहीं आया, अब मैं मिल बेच सकता हूँ। क्यों रे, पुरानी मार भूल गया क्या तू? नहीं नहीं, राइस मिल का पता पूछ रहे थे, इसलिए लेके आया हूँ।
इस दुर्गा प्रसाद के राइस मिल का पता कौन पूछ रहा था? यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं। कौन है रे? हेलो ब्रदर, कहीं ये ओरिजिनल लेटर लेकर तो नहीं आ गया मलिक? मैंने तेरे से कुछ पूछा क्या? नमस्कार। ए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? भैया तुम मुझसे बात मत करो, कट्टी, मैं तो इनसे बात करने आया हूँ। hey, तुम्हें इनसे क्या बात करनी है? सर, अगर ये कुछ कहना चाहता है तो कहने दीजिए ना। पर ये तो, अरे उसको बोलने दो ना। बोलो बेटा। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप जिसे खरीदने आए हैं ये मिल, वो एक खानदानी प्रॉपर्टी है, समझ गए आप? इनका एक छोटा भाई भी है। ये मिल तभी बिक सकती है जब वो यहाँ आके साइन करे। कल अगर वो आया और आपसे पूछा कि मुझसे बिना पूछे इससे कैसे खरीदा, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, सपोज वो मैं हूँ, इनका छोटा भाई शक्ति जो घर छोड़कर भाग गया था। थोड़ी देर के लिए मान लो भैया। भैया बोलता। हाँ, मान लेते हैं आपने मिल खरीद ली। अब मैं आकर पूछूंगा, ए बूढ़े चलो चुपचाप खड़ा हो जा, मेरा भाई तो बहुत बड़ा कमीना है। ओके, पर तुम्हें क्या हुआ था? क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था? मिल खरीदने से पहले तुम्हें पता नहीं लगाना चाहिए था कि इस मिल का कोई दूसरा मालिक भी है। तुमने इसे कैसे खरीदा? कैसे खरीदा? हाँ, ए जरा चाकू तो ला। तूने इसी हाथ से पेपर साइन किया था ना? आज तेरा ये हाथ ही काट दूंगा। अगर वो यहाँ आया और इसी तरह इनका हाथ काट दिया तो ये बिना हाथ के कैसे गुजारा करेंगे? इनका परिवार भी होगा ना, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए चला आया। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। चलता हूँ भैया। मालिक आज बिल्कुल अपरिचित की तरह क्यों मिल रहा है? मैंने भी वो पिक्चर देखी है। मुंह बंद रख, बताओ कहाँ साइन करो। अरे भाई, इस प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन तो नहीं है ना? hey, कोई लिटिगेशन नहीं है रे। आपका भाई वापस आ गया तो? hey, मैंने कहा ना कि मेरा कोई भाई नहीं है, मर चुका है वो। तुम जो कह रहे हो वो कहना काफी नहीं है। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई मर चुका है तो कम से कम किसी और को तो कहना चाहिए, नहीं तो आपको हमें डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ओह, कान खोल कर सुनो सब लोग, मैं अपनी ये राइस मिल अगले एकादशी तक बेच डालूंगा और उसी वक्त मैं तेरी शर्त भी पूरी कर दूंगा। शक्ति। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे भाई? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। शक्ति। शक्ति। सर, सर इस फोटो को देखिए। वो हमेशा इस फोटो को दिखाया करता था। हर दम वो अपने पिताजी, माताजी, भाई और बहन की बातें करता था। ये फोटो माँ को दे दो। माँ जी ये लीजिए फोटो। जब वो ही नहीं रहा तब मैं फोटो को क्या करूंगी? ये यहाँ क्यों आया? लेटर लेके तो नहीं आया? अरे रे रे, ये सब कैसे हो गया? आपका भाई आपका भाई मरा नहीं भैया, वो जिंदा है। क्या मैं आपका भाई नहीं भैया? इस गांव के सभी लोग क्या तुम्हारे भाई नहीं है भैया? असलियत में अच्छे से जानता हूँ, ये आपके सामने नाटक कर रहा है। इसे कैसे पता चल गया? ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी लोग इसके कलाकार अपना रोल निभाते हैं। ये भी एक कलाकार है पर इसका रोल खत्म हो गया। वैसे ही एक कलाकार दुर्गा प्रसाद अपने कैरेक्टर को जीवित कर रहे हैं। और मैं ये सब जो कह रहा हूं, मैं भी एक छोटा सा कलाकार हूं। ओ शक्ति, ए शक्ति, तुम्हारा भाई भी एक कलाकार है। वो मगरमच्छ के आंसू नहीं बह रहा है मेरे भाई, उसके आंसू असली है। वो बात तो एक मुर्दे से कर रहा है लेकिन एक्टिंग ऐसी कर रहा है जैसे दीवार का अमिताभ बच्चन हो। शक्ति की जेब में रुपए हैं लगता है। नहीं, ये तो एक लेटर है। वही लेटर है क्या? प्यारे बड़े भैया, मैं आपका छोटा भाई शक्ति आपके लिए अंतिम पत्र लिख रहा हूँ।
मैं अपने परिवार से 15 साल तक दूर रहा। पिताजी ने कहा था जब तक मैं जिंदा हूँ घर में कदम मत रखना, इसीलिए मैं घर नहीं आया। पर अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। अपने हक का हिस्सा ले लो और मेरे हक का हिस्सा मेरे गांव के सभी गरीबों को दान कर दो। लेटर मुझे दो बेटा। मेरे गांव के बुजुर्ग लोगों, अगर मेरे भाई दुर्गा प्रसाद ने मेरे हिस्से की जायदाद गरीबों में नहीं बांटी तो आप लोग मेरे हिस्से की जायदाद छीन के गरीबों में बांट दें। इस काम के पूरा होने के बाद ही मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। तुम्हारा छोटा भाई शक्ति। देखा बेटा, मरने के बाद भी क्या मिसाल कायम कर गया। मेरे भाई ने ये चिट्ठी नहीं लिखी, ये चिट्ठी उसकी नहीं है। ये तुम्हारा भाई नहीं है क्या? हाँ, लेटर भी तो इसकी जेब से ही मिला ना। अरे ये मेरे भाई की लिखावट नहीं हो सकती। तो ये लेटर इस भाई ने नहीं लिखा तो क्या इस भाई ने लिखा है भैया? देखो मैं सच कहता हूँ, मेरे भाई ने ये चिट्ठी नहीं लिखी। गांव के बुजुर्ग ये कैसे मानेंगे? अभी बताता हूँ। ये देखो, ये मेरे भाई की नोटबुक है जब वो छोटा था। अब दोनों हैंड राइटिंग को मिलाओ। दोनों राइटिंग एक ही है। अरे दोनों साइन भी एक जैसे हैं। मतलब जायदाद का हिस्सा दान नहीं करेंगे तब तक भाई की बॉडी नहीं चलेगी? ए, ए, मैं अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। फिर तुम्हारे भाई की लाश नहीं जलेगी? ये मेरा भाई नहीं है, नहीं है। दान देने की बात सुनकर आप पीछे हट रहे हो क्या भैया? देखो भाई, गलत है भाई, है अब बदला है। तुम अपने बात से नहीं हट सकते, तुम्हें दान करना ही होगा। अरे, 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 बता। हम पूरे गांव वालों से माफी चाहते हैं। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय हैं। इन्होंने एक लाश लाने के लिए कहा था जिसे शक्ति की लाश साबित कर सके। हम लालच में आ गए थे इसलिए हमने काम किया। ये फोटो भी इन्हीं ने दिया। अगर आप लोग हमें माफ कर देंगे तो हम लाश वापस ले जाएंगे। ए, तुमने झूठ क्यों बोला कि छोटा भाई मर गया? बताओ मुझे, तुम माँ को भी मारना चाहते हो ना? तेरी तो, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाती है? काट डालूंगा। छोड़ दे उसे। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हर भाई को बोलने का हक होता है, हर भाई को। ये हमारा पारिवारिक मामला है। ये पारिवारिक मामला है? क्या तुमने कभी इसकी देखभाल की? फिर कैसा पारिवारिक मामला है? ये कैसे जी रही कभी देखा है? फिर कैसा पारिवारिक मामला है? कभी तुमने इसके साथ बहन की तरह व्यवहार किया है? कोई भी सहमत नहीं है। छोड़ो इसे, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। दुर्गा छोड़ो उसे। आखिर वो तेरी बहन है, छोड़ दे उसे। तो तुम्हारा भाई मर गया है? सबसे यही कहा ना कि भाई मर गया है? हाँ, मुझसे तो पूछना था। मैं तुमसे क्यों पूछूं? पूछना था ना, मैंने ही तो सारे खेल का कबाड़ा कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट के लिए तुम ये जरूर करोगे, मैं जानता था। इसीलिए नोटबुक चुरा कर सारी रात प्रैक्टिस की। अब देखो राइटिंग सेम टू सेम, बिल्कुल सेम। अरे ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? अरे बताता हूँ ना, इलेक्शन नजदीक है तब मैं तुम्हें बताऊंगा। चलता हूँ प्यारे भैया। अरे ससुर जी को पेन दे। ससुर जी अपने शुभ हाथों से मुझे ये पेन दे दीजिए। दुर्गा प्रसाद। आपको
बात आपकी बहन की हो रही है। चुप। तो तू मेरे खिलाफ खड़ी होगी? हाँ। तेरा बैकग्राउंड क्या है? क्या तुम्हें राजनीति के बारे में कुछ भी पता है? मेरे साथ मेरे ससुर कोठारी कमलेश्वर राय जी हैं, जो मुझे जिताने के लिए लाखों खर्च कर सकते हैं, पर तेरे साथ कौन है? नमस्ते भैया। ओ, अरे तो तुम सपोर्ट कर रहे हो? अरे भाई, दुर्गा प्रसाद पहले से ही करोड़पति है। और ये भिखारन है जो चौराहे पर चाय बेचती है। वो पुरानी बात है। और आज की? आज लखपति है। आहा। सिस्टर, भैया को जरा रुपए तो दिखाओ। भैया, आपको तो पता ही होगा इसमें कितने रुपए हैं। इनसे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो इसमें कितने पैसे हैं। अगर 10 लाख से एक भी कमा मुझे थप्पड़ मार देना। हे, इसने तुझसे पूछा क्या? हे, ये मेरा पैसा है। अच्छी तरह जानता हूँ भैया। देखो, पैसे ही काफी नहीं होते चुनाव जीतने के लिए, टैलेंट भी होना चाहिए। मेरे टैलेंट के बारे में तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा प्यारे भैया। सिस्टर, राहु काल लग जाए इससे पहले फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। राहु काल का मतलब आपसे तो नहीं। एमएलए के पद के लिए हमारी ऐश्वर्या खड़ी हुई है, अगर आप वोट देंगे तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। देखो बेटा, उसने शादी की और इस गांव से चली गई, और तुम इस गांव के लिए बिल्कुल अजनबी हो। अब हम किस पर भरोसा करें? दुर्गा प्रसाद स्वर्गीय राजेश्वर राय का बेटा है, वो इसी गांव में रहता है। अच्छा हो बुरा हो, वोट हम उसी को देंगे। तुम जाओ। ये चुनाव क्षेत्र तो भैया दुर्गा प्रसाद का है, उनका यहाँ क्यों ना हरा पाई। अगर तो का चाहे तो दूध वूध ले जाओ, लेकिन हमसे वोट वोट मत मांगो। हम लोग यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हैं? वहाँ पर गाँव का एक भी आदमी हमें वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह तुम्हारी बहन हार जाएगी। तुम्हारे भाई के पैसे और ताकत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। चुनाव से अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। ए सुनो, इस तरह हमें चुनाव में कोई वोट नहीं देने वाला। लोगों का वोट पाने के लिए हमें उन्हें बुलाना पड़ेगा जिन्होंने कर्म से इतिहास बदला। पीछे हटो रे। अरे मालिक, आप तो फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं, और वहाँ उस सर एनटीआर बालकृष्ण को नचवा रहा है और लोगों से ऐश्वर्या को वोट देने के लिए कह रहा है। एनटीआर बालकृष्ण प्रचार कर रहे हैं? अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? पर वो दोनों तो बिल्कुल उनकी तरह ही दिखते हैं। डुप्लीकेट है। अगर वो लोग डुप्लीकेट के साथ उतरे हैं तो मैं अपने प्रचार के लिए ओरिजिनल स्टार लेकर आऊंगा। मैं उसे बुलाऊंगा जिसके लिए करोड़ों नौजवान के दिल धड़कते हैं। हॉट केक सिमरन को लेकर आऊंगा मैं। फिर इतना इंतजार क्यों? जल्दी बुलाओ ना। डायरेक्टर कहाँ है? हमें शूटिंग स्टार्ट करनी है। अभी आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हो तुम लोग? सर सर, कैमरा भी रेडी है। डायरेक्टर इज रेडी, कैमरामैन इज रेडी, हीरोइन इज आल्सो रेडी, पर हीरो कहाँ है? शंभो शंकरा साम्य सदा शिवा चंद्रकला धरा सर्वलोकेश्वरा दया हो प्रभु परमेश्वरा ईश्वरा। देखो
देखो सितारा है आया, फूल भी है शर्माया, साक्षात चंद्रमा है धरती पे आया। अरे देखो सितारा है आया, फूल भी है शर्माया, साक्षात चंद्रमा है धरती पे आया। मैं तो भागी भागी आई, गीत तेरे दिल पे छाए, छोड़ सारे काम काज, मैं हूँ यहाँ। इधर आ सुंदरी, जानू क्या तुम किसके साथ हो खड़ी। चलिए बलिए, जो भी आया वो टिकना सबका सामने। शिवकाशी का जलवा सबसे निराला, सब लोग यही सोचे है ये क्या बला। जब मैं नाचू संग नाचे जहाँ, मेरे साथ झूम यहाँ सारे नौजवान। देखो सितारा है आया, फूल भी है शर्माया, साक्षात चंद्रमा है धरती पे आया। मैं तो भागी भागी आई, गीत तेरे दिल पे छाए, छोड़ सारे काम काज, मैं हूँ यहाँ। सब घूमे यहाँ, तुम दमदार हो, तुम सरताज हो, मेरी नजरों में तुम भी हिट हो। मन में भला लिए हुए, जियो तुम सबके लिए। दुनिया भली हो जाइए, सोचे जो सब तेरे जैसे। अरे पंखे को घर तुम वोट दो, छा जाए घर घर में हरियाली। चलो मैं तो हारा, बंगा लेना ना मेरी यारा। सब तुमको माने हुस्न परी, हाँ तुम ही तो सबके दिल में बसी। बातों में तुमसे है ना कोई जीता, मुश्किल है तुझको तो ऐसे हराना। अपना मटका तो फूटा समझो।
कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? कोई नहीं जानता कि ये यहाँ पर कहाँ से आया। ओरिजिनल लेटर बता सकता है मालिक। उस लेटर के बहाने उसने हमसे 10 लाख रुपए लिए। मैंने 50 लाख रुपए देकर हीरोइन को बुलाया और वो भी उसकी तरफ हो गई। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। बात है मालिक। पता करो कि कौन है वो और कहां से आया है। जब तक ये पता ना चल जाए कि वो कौन है और कहां से आया है, तब तक वापस नहीं आना। जाओ। इतने सारे नए चेहरे भाई, कौन हो भाई? देखता नहीं काला कोट वाला लायर है। काले कोट वाला लायर? अरे इधर आ, इसने भी काला कोट पहना है, तो लायर हुआ। मैंने क्या किया, मुझे क्यों मार रहा हूँ? ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और इन्हें बताओ कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। शक्ति कहाँ रहता है? क्या तुम राजेश्वर राय के दूसरे बेटे को पूछ रहे हो? हाँ वही। एक काम करो, तुम यही रुको, मैं उन्हें यही बुला कर लाता हूँ, ठीक है? यही रुकना। हाँ अरे गाड़ी निकाल ले। अरे कहाँ है वो? हाँ? कहाँ है वो? यही थे मालिक। तूने शराब पी है क्या? नहीं मैंने नहीं पी मालिक, मैं सच कह रहा हूँ मालिक, वो यहीं पर थे मालिक, यहीं पर बैठे थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मालिक। चलो ढूंढो उसे, जरूर कहीं गांव में ही होंगे, उन्हें पता नहीं कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी जाओ। चलो रे, चलो रे। जानते हो अगर मैं नहीं आता तो तुम लोगों का क्या होता? पर क्या हुआ, वो तुम्हारा भाई है ना? हाँ वो मेरा भाई है, हमारे बीच राम लक्ष्मण जैसा रिश्ता नहीं है, वो रावण है। क्या? मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, बुट्टू यहीं आ रहा है, मैं उसे बेवकूफ बना के आता हूँ। नमस्ते ब्रदर। नमस्ते भाई। क्या हो गया? मैं क्या बताऊँ, जिन्हें मैं ढूंढ रहा था ना वो मुझे मिले ही नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूँ? नहीं रहने दो भाई, मैं पहले ही तुम्हें 10 लाख देकर फंस गया हूँ, अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कितने पैसे दिए उसे छोड़ो, मैं करोड़ों का आइडिया देता हूँ। 1 करोड़ बताओ। बहुत अच्छा आइडिया है भाई, पर एक बात कहूँ, मैं तुमसे मिला था, तुम मुझसे मिले थे, इस बात को भूल जाना। तुम भी भूल जाना, मैं भी भूल जाऊंगा, किसी से नहीं कहूंगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा भाई, चलता हूँ। चलता हूँ। कितनी बदबू आ रही है रे। ये वोट का मामला है, वोट का, चलिए ना मालिक। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, कल रात को पिताजी मेरे सपने में आए थे, जैसे रहते थे वैसे नहीं, वो जीत का हार पहने, एमएलए का ड्रेस पहने आए थे, सच कह रहा हूँ माँ। माँ, माँ पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैसे मैं एमएलए बना हूं वैसे ही तुम भी एमएलए बन जाओ, इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी माँ को चुनाव प्रचार में ले जाओ। माँ मुझे आशीर्वाद दो माँ। मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे अच्छाई पसंद नहीं बुराई पसंद है, क्योंकि मैं शैतान हूँ, लेकिन तूने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। ए, तुझे पता नहीं कि अगर तू प्रचार के लिए नहीं गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ए, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी तरह वोट मांगने आया हूँ। ये मेरा घर है, वो मेरी माँ है, वो मेरी भी माँ है। मतलब? मतलब इनकी माँ है ना? देखो माँ का वोट मेरा है, माँ प्रचार में भाग लेगी तो सारे वोट मुझे मिलेंगे। नहीं जाएगी। देखो तुम नाम वापस ले लो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, शहर में जाकर एक होटल खरीद लो, साथ ही एक घर भी खरीद लो। वो घर में नहीं रहेगी ब्रदर, असेंबली में रहेगी। तू कहाँ से आया और ये सब क्यों कर रहा है, मेरी नींद क्यों हराम कर रहा है? मेरी बात सुनो, चले जाओ। चले जाओ, मैं कहता हूँ चले जाओ, नहीं तो जानते हो मैं क्या करूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, माँ को छोड़ दो। चुपचाप तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, माँ को छोड़ दो। आओ।
दोन, लड़ाई तुझ में और तेरी बहन में थी, पर अब तेरे और मेरे बीच है। अगर माँ को तूने बीच में लाया तो अगर इसने मुझ पर एक उंगली भी उठाई ना तो इस बढ़िया की तुम सबको यहाँ से जाना भी होगा और नाम भी इसे वापस लेना होगा। अगर मैंने कल सुबह तक किसी को देखा न तो मैं इस बुढ़िया की जान ले लूंगा। मुझे किडनैप क्यों किया? तुम अपनी बीवी को हरवाना चाहते हो? जितवाना। इलेक्शन होने तक तुम्हें बैलेट बॉक्स की तरह साइलेंट रहना होगा। भाई और बहनों, आप अपना अमूल्य मत राजे छोड़ रहे के बेटे दुर्गा प्रसाद को ही दीजिए। छुरी क्या है? मुझे लगता है इसके पहले हमारी मुलाकात हुई है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कहीं तो देखा है, कहीं ना कहीं तो देखा ही है। नहीं नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। कौन से अखबार के लिए काम करती हो तुम? यहाँ से जाओगी या मैं? अरे कौन सा पेपर है? चल बकवास बंद कर, चल जल्दी निकल। हमारे भाई श्री दुर्गा प्रसाद जी आपसे कुछ कहेंगे। दुर्गा प्रसाद जी। चुनाव क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। ये दुर्गा प्रसाद एक केले का पेड़ है और मेरी बहन ऐश्वर्या केले का बीज। केले का पेड़ छाया दे सकता है पर बीज भी छाया दे सकता है क्या? सुनो बहन, जाकर पूछो मेरा पति कहाँ है। इसीलिए मैंने जीत के लिए अपना चुनाव चिन्ह मटका रखा है। उधर देखो बीज आ रही है। अब ये बोलेगी भैया मुझसे गलती हुई, मैं अपना नाम वापस लेती हूँ और मैं भी उसे क्षमा कर दूंगा। आओ बहन, आओ आओ, आजा आजा। कहाँ चली जा रही हो? मेरे पति को कहाँ छुपाया है तुमने? बताओ क्यों किडनैप करवाया उन्हें? बताओ कहाँ है वो? ए, मैंने किडनैप नहीं करवाया है। तुम्ही ने करवाया है, मैं जानती हूँ। मैंने नहीं करवाया, जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी लेकिन अपने पति के बिना नहीं। मुझे राजनीति नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। ऐसा क्या देखा आपने? ये है इलेक्शन ड्रामा। अपना मुंह बंद करो और चली जाओ। मुझे मार डालो। ए, तू जाती एक नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तेरे को बोला नहीं कि तू जाए यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाएगी तू? नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाएगी तो मैं तेरी चप्पल से पिटाई करूंगा। मार डालो मुझे। कमीना कहेगा अपनी सगी बहन को चप्पल से मारता है, ये क्या हमारी रक्षा करेगा? मारो इसे, मारो मारो, चप्पल से मारो, मारो इसे, इसे चप्पल से मारो, छोड़ो मत। दुर्गा प्रसाद, हाय हाय, दुर्गा प्रसाद, हाय हाय, चप्पल वाले, ये टकला भी उसी के साथ है, मारो इसे, हाय हाय, चप्पल से मारो, मारो इसे, चप्पल से, इसे मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, कहीं ना कहीं तो देखा ही है। पर मैंने तो तुम्हें नहीं देखा है। कहीं तो देखा ही है। ससुर जी आइए आइए, कुर्सी लाओ रे। कैसे हैं आप? मैंने सुना है कि तुमने चुनाव सभा में एक महिला को चप्पल से मारा है,
इससे तुम्हारी एमएलए की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। महिलाओं के वोटों की ताकत को तुम नहीं जानते हो क्या? मैं गुस्से पे काबू नहीं रख सका ससुर। कैसा गुस्सा? तुमने जैसा काम किया है उसे देखकर तो मुझे लगता है कि मुझे भी चप्पलों से मार खानी पड़ेगी, वो भी अपनी। पकड़ो इसे, पकड़ो, मारो मुझे, मारो, मैं खुद ही मार लेता हूँ। अरे ससुर जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ससुर, मेरी बात सुनिए। किसी ने उसके पति को किडनैप कर लिया और वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। राजनीति यही है, इसी को राजनीति कहते हैं। मैंने तुम्हारे चुनाव प्रचार में लाखों रुपए खर्च किए, इसलिए नहीं कि तुम्हें एमएलए बना देखूं। तुम तो एमएलए बनने लायक हो ही नहीं। मेरी बेटी एमएलए की बीवी कहला सके, इसलिए पहले पता लगाओ कि तुम इलेक्शन कैसे जीतोगे। अगर तुम एमएलए का चुनाव हार गए तो तुम जानते हो मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं ही तुम्हें, समझ गए ना? खल्लास, गाड़ी निकाल ले। तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं अपने ससुर के सामने मेमने की तरह क्यों खड़ा रहता हूं, यही ना? हाँ मालिक। एक बार इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद इसका भी। ये जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ शिवकाशी ने किया। दुर्गा मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी छवि गांव में वैसे ही खराब हो चुकी है, अब अगर तुमने किसी को मारा तो क्रिमिनल केस हो जाएगा और आगे तुम किसी भी इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाओगे। वो चुनाव में कभी नहीं जीतेगा, उसने अपनी बहन को मारा है, उसका सत्यानाश हो जाएगा। हमने सुना था कि कंस ने अपनी बहन के साथ बड़ा अत्याचार किया था। आज फिर हम एक कंस को देख रहे हैं जो अपनी इस मासूम बहन पर अत्याचार कर रहा है। आपका भला करने के लिए यह मासूम चुनाव लड़ रही है। हमारी प्यारी दीदी ऐश्वर्या यहीं पर है। यहां ऐश्वर्या, अपनी दुख भरी कहानी इन्हें सुनाओ। बेटी ऐश्वर्या, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे वोट नहीं चाहिए, मेरा पति चाहिए, मेरे पति चाहिए मुझे। मेरे पति को मेरे भाई से बचा लो। मेरा अपना सगा भाई मेरे पति की जान का दुश्मन, उन्हें बचा लो। सिस्टर, तुम्हारा फोन। हेलो हेलो हेलो, अरे पब्लिक के सामने क्यों रो रही है कि मेरा पति का किडनैप हो गया? मुझे मेरा पति जिंदा चाहिए, बताओ कहाँ छुपा रखा है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति जिंदा रहे तो इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लो, वरना ठीक नहीं होगा। तुम जानती हो उसके बाद क्या होगा? मैं तुम्हारे पति के टुकड़े टुकड़े करके भट्टी में डाल दूंगा। बहुत ध्यान से सुनो, तुम कल जब हल्दी के लेप से स्नान करोगी तो देखना, वो हल्दी की जगह तुम्हारे पति की राख होगी। मैं उन सबको मार दूंगा जिसने तुम्हारा साथ दिया है। ये क्या मालिक, आप यहाँ बैठे हैं, आवाज वहाँ से आ रही है। मालिक, यहाँ तो आपने आधी बोतल ही पी है, वहाँ आपको भी पूरा बैंड बजा रहा है। ओए, मुझे नहीं पता ये कौन है। मीटिंग को अभी रोक दो, रोक दो। ना फोन मुझे दे। कमीने, तू बहुत जल्दी मरेगा, तू नर्क में जाएगा। ये बकवास जो तू कर रहा है ना, अगर इसके पति को कुछ हुआ ना तो देखना, मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तेरी सास पुश्ते याद रखेगी। हेलो 1 2 3 4। मालिक, जैसा कि आपने कहा हमने मीटिंग रोक दी है, पर आपने जैसा कहा था हमने 150 औरतों के सर फोड़ दिए हैं और 200 आदमियों के हाथ पर तोड़ दिया है। अभी क्या बोले? हाँ, वोट सिर्फ दुर्गा प्रसाद को देना। जिनके हाथ हमने तोड़े हैं वो हमारी वोट देंगे, अगर किसी हाथ में वोट दिया तो हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी। हमारे मालिक दुर्गा प्रसाद को वोट देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लो। उसके पोस्टर पर गोबर डाल दिया तो क्या हुआ? अरे ये भी उसी एमएलए का ससुर है, इसके ऊपर भी गोबर डाल दो, डालो इसके ऊपर गोबर। हाँ हाँ, डालो डालो इसके सर पर, ये भी उसका ससुर ही है। छोड़ूंगा नहीं।
ए, जल्दी दरवाजा बंद करो। ससुर जी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने आपकी हालत की है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम उनके साथ क्या करोगे, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हें जीतना ही होगा। उन्होंने तो बस मुझे सिर्फ ये गाय के गोबर से ही नहलाया है। अगर तुम हारे तो तुम्हें पूरा पेट्रोल से नहला दूंगा और आग लगा दूंगा। एए, अब ये दरवाजा खोल दो। अरे इस घर में कोई है क्या? क्या घर में कोई और वोटर है? हे भगवान, जब घर है तो वोटर तो होंगे ही ना। मतलब तुम इसी गांव की हो? ये घर किस गांव में आता है? इसी गांव में। अगर ये घर इसी गांव में है तो तुम मुझे बताओ कि मैं किस गांव की हुई। तुम भी वोट दे सकती हो? तुम दे सकते हो क्या? हाँ। जब तुम वोट दे सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मैंने तुम्हें जूहू चौपाटी पर देखा है। हाँ, मैं समझ गया, तुम वोट दे सकती हो। पर मैं कैसे वोट दूंगी? ओहो, तो तुम्हें वोट देना नहीं आता? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम वोट डालोगी ना तो तुम्हारी उंगली पकड़कर उसमें इंक लगा देंगे। इनमें से किस उंगली में इंक लगाएंगे? मुझे बुलाया क्या? अरे शक्ति, इस घर में तो और चार वोट है यार। मुझे बुलाया बेटी। चाचा जी, इसने मेरा हाथ पकड़ा। इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? हाँ। हाथ पकड़ने का मतलब जानता? हाँ। है तुमने इसका हाथ पकड़ा, जानता है इसका मतलब क्या होता है? मतलब है क्या होता है? हे भगवान, आउवा, मंगलसूत्र डाले भी नहीं लड़की का हाथ पकड़ लिया। देखिए, मैंने इसका हाथ नहीं पकड़ा, सिर्फ उंगली छुई थी। सिर्फ उंगली छुई थी? उंगली कहाँ होती है मालूम है क्या? हाथ में। हाथ कहाँ होता है मालूम है क्या? बॉडी में। हे भगवान, हे दुर्गा भवानी, मेरी उंगली पकड़ के इसने मेरी बॉडी को छू लिया। क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बॉडी को छुआ? इसकी इतनी हिम्मत? अरे इसको मारो, अरे इसको मारो। ये देख, तू अपनी मर्यादा मेरे, इस लड़की से माफी मांग, नहीं तो मैं क्या कहते हैं, मटके को। हाँ, मटके को, मटके को, मटके को। ये शक्ति, माफी मांग लेना, चार वोट का सवाल है। सॉरी बोलो। ठीक है, सॉरी। क्यों जी, सॉरी ऐसे बोलते हैं क्या? भीख दे रहे हो मुझे? अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो अंदर आओ और सॉरी बोल दो। क्या हुआ भाई? उसने कहा इनवैलिड वोट हो। और वो दोनों वोट? वो दोनों वोट तो सॉलिड भी है और वैलिड भी है। अरे सच सपना रे, आजा अब दूर मुझसे रहा जाए ना, आजा मेरे बाहों में आना। सच सपना एक पल तुझसे जुदा नहीं हूँ, ऐसा तुझे प्यार करूँ। अरे ऐसे मेरा दिया न जला, जल्दी से मुझ में समा। ना छूटे ना, ना छूटे ना, साथ कभी तेरा छूटे ना। ये मिल अब हो ही गया रे। ना छूटे ना, छूटे ना साथ कभी रे। ये मिल अब हो ही गया रे। ना छूटे ना, छूटे ना साथ कभी रे। अब दूर मुझसे रह जाए ना, आजा मेरी बाहों में आना। बढ़ो साथ चलूं मैं जो तेरे, हो जाते हैं मेरे अरमान पूरे। आगे बढ़ो साथ चलूं मैं जो तेरे, हो जाते हैं मेरे अरमान पूरे। चांद जैसे चमचमाए तू, तुझे बाहों का झूला झुलाऊं। मेरा दिल तूने लिया रे। ये मिल अब हो ही गया रे। ना छूटे ना, छूटे ना साथ कभी रे। ये मिलन अब हो ही गया रे। अरे हुआ सच सच।
हूँ दूर मुझसे रह जाए ना आजा मेरी हूँ आपस में नहीं लड़ रहे हैं। जो तुम्हारी ननद की ताकत है उसका नाम है शिवकाशी। उसने मुझे बहुत परेशान किया, उसी ने इन्हें मारा है। आप क्या कह रहे हैं? शिवकाशी यहाँ पर तुम्हें मारने आया था और ये लोग तुम्हारे नौकर है ना, तुम्हें बचाना चाहा पर बचा नहीं पाए और उसने इन्हें बहुत मारा। कर। और शिवकाशी कब आया, इन्हें कब मारा, ये सब क्या कहानी है? ये एक छोटी सी कहानी है। शिवकाशी ने तुम्हें जान से मारा, ये है क्लाइमैक्स। ए, फोन काट रहे। पर शिवकाशी, शिवकाशी मुझे क्यों मारेगा? मैं तुम्हें सबसे सच बताता हूँ। मान लो मैं शिवकाशी और ये वही चाकू है जो शिवकाशी यहाँ पर लेकर आया था तुम्हारा कत्ल करने के लिए, और इसी चाकू से उसने तुम्हारी जान ले ली। पर वो तुम्हारे रहते हुए मुझे मारने कैसे आ सकता है? वो नहीं आएगा, मैं तुम्हें मारूंगा। विश्वास नहीं हो रहा है ना, पर यही सच है। जानती है तेरे बाप ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा मैं जीऊं या मरूं उसके लिए सिर्फ चुनाव में जीतना ही मुख्य है, और अब मैं तेरा खून करूंगा और उस खून के इल्जाम में फंसेगा शिवकाशी। वो क्या कहते हैं रे, एक तीर से, अरे बोल रहे, दो शिकार। मुझे मत मारी। अरे इलेक्शन जीतने के लिए तुम्हें मरना होगा ना, मरना होगा तुझे। अरे सावित्री मान जाओ, तुम लोगों की सिंपैथी मिलेगी तुम्हारे मरने से, और उसके बाद मैं चुनाव जीत जाऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारिए। अरे रे रे रे, मैंने कहा ना कि चुनाव जीतने के लिए तुम्हें मरना होगा। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं जीतूं? मेरे आदमियों ने तो तुम्हारे पोस्टर्स भी बनवा लिए हैं कि कैसे तुम्हारी बेदर्दी से मौत हुई है।
ए, पोस्टर लाया है ना? हाँ मालिक। तो अपनी मालकिन को दिखाना। दुर्गा प्रसाद की पत्नी की दुखद मृत्यु। ए, अब ले जाओ इसे। प्यारे भैया, तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा पर मैं आ गया। ए, फोन पर बात करने के बाद फोन को कट कर देना चाहिए, साइड में नहीं रखना चाहिए। ऐसी गलती तुम्हारे यहाँ कौन कर सकता है? क्यों बुट्टू? मैंने वो सब सुना जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था, वो सब देखा जो मुझे नहीं देखना था। मजा आ गया। अरे भाई, मैं तो इसे मारकर तुझे फंसाना चाहता था, पर तू खुद ही अपनी मौत मरने आ गया। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ भाई। I love you। मुझे अच्छे लोग पसंद नहीं, बुरे लोग पसंद है, क्योंकि मैं शैतान हूँ। और अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। माननीय SP साहब, मैं दुर्गा प्रसाद की बीवी सावित्री देवी ये पत्र लिख रही हूँ। क्या बकवास है ये? हाँ, मैं ये पत्र बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से लिख रही हूँ। मुझे कभी भी जान से मार दिया जा सकता है और उसके लिए जिम्मेदार होगा। अरे तेरी तो क्या पकड़ा है तू? पढ़ने तो दो। वो आदमी जो मेरी मौत का जिम्मेदार होगा, श्री 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 चिंतामणि दुर्गा प्रसाद। इस लेटर का हर एक शब्द मैं अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ, इसे सत्य माने। अरे बुट्टू पेन देना। टंटड़न, प्यारी भाभी इसमें साइन कर दो। नहीं करना। साइन क्यों? कर दो ना भाभी, इस लेटर से आपकी जान बचाने पुलिस को खुद आना पड़ेगा। भाभी साइन करो ना। अब अगर मैंने इन्हें मार दिया तो भी इसके जिम्मेदार तुम होगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, इस लेटर में लिखा है। नहीं। कल इलेक्शन है, कुछ भी उल्टा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरी बीवी को मार कर ये लेटर उसके हाथ में रख दूंगा और तेरे ससुर के सामने फेंक दूंगा। उसके बाद तेरा ससुर तेरी बैंड बजा देगा। कुछ समझे बड़े भैया? ए, मुझे माफ करना, मुझे आपकी जान बचाने के लिए ये करना पड़ा। वोटिंग होने तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। मटके कोई वोट देना समझे? तुम इसे अंदर नहीं ले जा सकते। अरे चलो 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 चलो। अरे मैंने ऐश्वर्या को वोट दे दिया, मालिक तो जान से मार देंगे। चलो जल्दी से डाल देता हूँ। बिलासपुर चुनाव क्षेत्र से श्रीमती ऐश्वर्या ने चिंतामणि दुर्गा प्रसाद को 15,000 वोटों से हरा दिया। आप ठीक है ना ऐश्वर्या? क्या मैंने तुम्हारा इसीलिए कन्यादान किया था कि वो तुम्हारी अर्थी मेरे पास भेज सके? मंगलसूत्र तोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, मुश्किल आसान होगी जब मैं उसे मार दूंगा। आज मैं चुनाव हार गया, आज मेरे हाथों शिव काशी की मौत होगी। मैं अपनी बहन ऐश्वर्या को भी उसके साथ मार दूंगा और फिर मैं MLA बनूंगा। पेट्रोल का गैलन भर लो रे। ऐश्वर्या कहाँ है? वो आपके घर आपके माँ से मिलने गई है। आशीर्वाद लेने आई हूँ माँ। अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई है। ये नई साड़ी पहनकर फिर से मेरी पहली माँ जैसी दिखो ना। माँ शक्ति वापस आ गया। तुम सच कह रहे हो? सच है माँ।
वो देखो पटाखे भी फूट रहे हैं, हमारा शत्रु वापस आ गया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, आपका भाई शक्ति वापस आ गया मालिक, वो आपकी माँ से मिलने गया है सच में। चल रहे जो अपने आप को मेरा भाई कहता है। तुम पहचान लिया ना बड़े भैया? हाँ पहचान लिया मैंने तुझे, पर अब सब कुछ भुला दूंगा। अब तू इस परिवार के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं तुझे जान से मार दूंगा। ए! पेट्रोल लेकर आ रहे। रुक जा रहे। मालिक, पहले तो हमने इसलिए हमला किया था क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि आपका भाई है, अब हम इसे नहीं मार सकते हैं मालिक। तेरी इतनी हिम्मत की तू? मालिक हमने चिंतामणि राजेश्वर राय के परिवार का नमक खाया है, माफ कर दो मालिक, हमें माफ कर दो। मैं ही उसे चला दूंगा। रुक जाओ, तुम्हारे वजह से तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे भाई को तुम्हारी गलती की वजह से घर से निकाल दिया, ये 15 साल बाद घर वापस आया है और तुम इसे जान से मारना चाहते हो। अब तो सुधर जाओ। सुधर जाओ, मैं तभी सुधरूंगा जब ये मरेगा। तू? माँ तुम रुको, माँ मेरे मरने से अगर तुम सुधरते हो तो मैं मरने के लिए तैयार। शक्ति माँ, तुम्हारी गलती की वजह से पिताजी ने इस बेल्ट से मुझे मारा था। उठ जा। ये मेरी उस माँ की तरफ से है जिसके साथ तूने नौकरानियों जैसा व्यवहार किया। सुनो, मेरी माँ के लिए, मेरी माँ के लिए। और ये मेरी उस छोटी बहन की तरफ से है जिसके साथ तूने अनाथों जैसा व्यवहार किया। मार दो उसे।
बेटी को तू जान से मारना चाहता था ना? शक्ति, पिछली सारी बातें भूल जाओ। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है। जाओ, जाओ उसे बचाओ। भैया, बड़े भैया को बचा लो। भैया, भैया बचा लो उन्हें। भैया, उसके शरीर में भी तुम्हारे पिताजी का ही खून है। उसे बचाओ। जाओ शक्ति। मत करो, कल के दिन वो तुम्हें भी मार देगा। इसने अपनी बीवी को भी मारना चाहा है। मैं कहता हूं इसे जान से मार दो। हाँ? मेरी ताकत भी मुझे नहीं बचा पाई। मेरे भाई ने मुझे बचाया। तुम ही पिताजी के असली वारिस हो मेरे भाई। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, पर तुम बिना मांगे मेरे दुख का हिस्सेदार बन गए। मुझे माफ कर दो। ये लो, ये लो, मार दो मुझे, मार दो। मैं कौन होता हूं तुम्हें मारने या माफ करने वाला? मां, मां से माफी मांगो। माँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। भैया, अब आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब मैं तुझे ना कह सकता हूँ क्या? मुझे
मुंबई की एक लड़की से प्यार हो गया है। आपको उससे मेरी शादी करवानी होगी। भैया माँ को मना लो ना, मना लो ना। क्यों रे? लोग तो लड़की लेकर घर से भाग जाते हैं और तू भागने के बाद लड़की लेकर आ गया। कहाँ है वो? बुलाता हूँ। आजा। नमस्ते। क्या तुमने मुझे इससे पहले कहीं और देखा है क्या? बोलो। एक तो अभी देख रहा हूँ, दूसरा शादी में देखूंगा जब बाजा बजेगा।